अभी हम सो के उठ चुके हैं। टाइम की बात करें तो आप देख सकते हैं 5:32 हो रहे हैं। मॉर्निंग शिफ्ट है हमारी, फटाफट तैयार होते हैं, मिलते हैं थोड़ी देर में आपसे। और क्योंकि मॉर्निंग शिफ्ट चल रही है तो जल्दी उठना पड़ता है, उसके बाद ऑफिस जाना है। तो आपको आज पूरी दिनचर्या दिखाएंगे एक फार्मा एम्प्लॉय की, कि दिन भर क्या काम रहता है और आना जाना सारा लाइफ स्टाइल। बने रहिए हमारे साथ। करें तो बाहर बहुत अंधेरा है और टाइम हो रहा है 6:09। आते हैं बाहर और बद्दी में मौसम थोड़ा ठंडा हो गया है, यानी थोड़ी सी ठंड हो गई है बाहर, तो उसका भी ध्यान रखना पड़ता है। फटाफट ऑफिस चलते हैं और आज आपको हम अपनी ऑफिस की बस सारा रास्ता, टाइमिंग कैसे क्या है सब दिखाएंगे। बने रहिए हमारे। अभी आप देख सकते हैं जैसा कि हम मेन रोड पे आ गए हैं, और ये आपको बहुत सारी बसेज दिखेंगी, शर्मा ट्रेवल्स, विनायक ट्रेवल्स। तो अभी आप ये देख सकते हैं बहुत ही नामी फार्मा कंपनी टोरेंट फार्मा की ये बस है, जो कि एम्प्लॉय को उनके स्थान से जहाँ पर वो रहते हैं वहाँ से कंपनी तक लेके जाती है। तो फार्मा कंपनी में आपको बसेस की अच्छी फैसिलिटी है। अभी हम भी अपनी जो बस है कंपनी की उसमें बैठ चुके हैं और अपनी कंपनी के लिए निकल चुके हैं। सुबह का समय है, बद्दी अभी बिल्कुल बंद है, आप देख सकते हैं कोई भी शॉप ओपन नहीं है क्योंकि सुबह की अभी 6 बज रहे हैं। अभी सुबह से लेकर शाम तक का वक्त है जो कंपनी में निकलेगा और काफ़ी काम रहता है। फार्मा कंपनियों की बात करें तो बद्दी में सुबह से लेकर शाम तक आपको ट्रैफिक मिलेगा क्योंकि फार्मा कंपनियों का आना जाना लगा रहता है, और अभी फार्मा कंपनियों में काफ़ी अच्छी स्थिति नहीं है। तो उसको देखते हुए भी फार्मा कंपनियों पर थोड़ा सा प्रेशर है, चाहे वो ऑडिट का हो या किसी और भी चीज़ का हो। और आप देख सकते हैं कि अभी हम बस में हैं और पहुंच गए हैं हम कंपनी, तो फटाफट उतरेंगे, अंदर जाएंगे, अपना सारा काम निपटाएंगे और उसके बाद आपको शाम को मिलेंगे। फ़ोन की बात करें या किसी भी मल्टीमीडिया आइटम की बात करें या इंटरनेट की बात करें तो वो फार्मा कंपनी में अलाउ नहीं होता है। तो अब शाम को ही मिलते हैं आपसे। और अभी शाम का वक्त हो गया है, हम कंपनी से वापस निकल चुके हैं, लेकिन भारी ट्रैफिक होने की वजह से और जो बद्दी के रोड की स्थिति है वो बहुत ही भयानक है। रोज़ आते जाते समय यहाँ पर एक्सीडेंट होते हैं और स्थिति बिल्कुल ख़राब है रोड की। अभी रोड पर काम चल रहा है, आप देख सकते हैं कितनी बड़ी लाइन है, तो आते समय बहुत लेट हो जाते हैं, अंधेरा हो चुका है, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक, लेकिन कैसे भी करके हम पहुँच गए और लेट हो गए बहुत ज़्यादा। चलो कोई नहीं, तो काम भी ज़्यादा नहीं था आज, दिवाली वीक है, थोड़ा ट्रैफिक ही था रोड पे, तो लेट हो गए थोड़ा पहुँचने में। खोलो गेट, खोलो। अभी हमें मार्केट में, और मार्केट में बहुत ज़्यादा भीड़ है, तो हमें भी थोड़ा बहुत सामान लेना था। तो आप देखेंगे हमारे पीछे तो मार्केट, आप बैठ गए, कैसा लग रहा है? हाँ, अंधेरा हो गया और गाड़ी स्टार्ट हो गई है, और मैंने
नाइट सूट पहना है और पापा मेरे बहुत भूत लग गया और उसने मेरा पता के लिए। अभी हम मार्केट से आ गए हैं, हमें थोड़ा बहुत जो सामान लेना था उसके बाद अभी हम फटाफट रूम पे जाएंगे, अपना डिनर खाएंगे और उसके बाद सो जाएंगे। तो आज हमने आपको इस वीडियो के माध्यम से ये बताने की कोशिश की कि जो फार्मा एम्प्लॉई है उसकी लाइफ अंधेरे में शुरू होती है और अंधेरे में ही ख़त्म हो जाती है। यानी सुबह अर्ली मॉर्निंग उठना, ऑफिस जाना, ढेर सारा काम करना, ऑफिस क्या कहेंगे हम, फैक्ट्री कहेंगे, कारखाना कहेंगे, जहाँ पर दवाइयाँ बनती हैं, एक तरीके से कारखाना ही है जहाँ पर बहुत सारी दवाइयाँ बनती हैं। और उसके बाद हम घर पहुँचते हैं, बहुत सारा काम रहता है, फैमिली भी इंतज़ार करती है, आएंगे थोड़ा सा मार्केट जाएंगे और उसके बाद अपना खाना खाएंगे और सो जाएंगे। टाइम की बात करें तो 9 बज रहे हैं अभी, अभी जाएंगे अपना खाना खाना है उसके बाद सो जाएंगे। अर्ली मॉर्निंग फिर से उठना है, फिर से कंपनी जाना है, वही 5:30 बजे उठना है आपको, ऑफिस जाना है, डेली वही रूटीन है। मोबाइल की बात करें तो सबसे बड़ा ड्रॉबैक हमको फार्मा सेक्टर का ये लगता है कि आपको मोबाइल अलाउड नहीं है जूनियर लेवल पे, सीनियर लेवल पे थोड़े बहुत हैं लेकिन वो मल्टीमीडिया मोबाइल नहीं होते हैं, तो मोबाइल अलाउड नहीं है तो ज़्यादा सोशल नहीं हो पाते हैं। तो बहुत सारे लोगों की क्वेरी रहती है कि आप फ़ोन वोन नहीं उठाते हैं, तो फार्मा सेक्टर का यही ड्रॉबैक है कि आप फ़ोन वोन नहीं उठाते हैं तो लोगों को लगता है आप सोशल नहीं हैं, और ऐसा नहीं है क्योंकि फ़ोन अलाउड ही नहीं होते तो क्या करें, फार्मा कंपनी में मजबूरी है। टाइमिंग की बात करें तो सुबह 5:30 बजे उठने से लेकर ऑफिस के लिए निकलना 6 बजे और उसके बाद 8 बजे तक रूम पे आना, तो 12 घंटे से ज़्यादा हो जाते हैं और बहुत थक भी जाते हैं। बैचलर्स की बात करें तो बैचलर्स की लाइफ और भी ज़्यादा टफ है क्योंकि उन्हें खाना बनाना है और बहुत ऐसे बैचलर हैं जो बिना खाना खाए ही सो जाते हैं, कुछ छोटा मोटा खाया और सो गए। शादीशुदा लोगों का ये है कि आपको थोड़ा सा बेनिफिट है कि आपको खाना वाना टाइम से मिल जाएगा, लेकिन बहुत हैवी शेड्यूल रहता है फार्मा एम्प्लॉई का। इसको देखकर बहुत ऐसे लोग भी हैं जो फार्मा सेक्टर अभी तक छोड़ चुके हैं क्योंकि थक जाते हैं, काम का प्रेशर, छुट्टी नहीं मिलेगी, आपको डेली कंपनी आना है, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिससे बंदा थक हार के ये सेक्टर चेंज कर देता है या छोड़ देता है। तो हैवी शेड्यूल था, इस वीडियो के माध्यम से हमने आपको बताने की कोशिश की कि फार्मा एम्प्लॉई की क्या दिनचर्या रहती है, मोबाइल नहीं मिलता है आपको, जैसे ही आप कंपनी के गेट में पहुँचते हैं तो दिन भर कंपनी में निकल जाता है, आके थोड़ा बहुत टाइम मिलता है मोबाइल चलाने के लिए, इसमें थोड़ा बहुत कोशिश करते हैं आपके साथ बने रहने की। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आएगा, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें।